सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइज। सो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पर बोला था कि अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं इसका पार्ट टू जल्द ही लेकर आऊँगा। एंड आप लोगों ने वही किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू सो मच। एंड आज के इस वीडियो में आप लोग करने वाले हैं दीपावली स्पेशल फोटो एडिटिंग पार्ट टू। एंड इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा विदाउट स्किप। एंड अगर आप पार्ट वन देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। एंड जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा इस एडिटिंग में, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीडियो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग समय जिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को ओपन करना है पिक्सआर्ट में। एंड फुल एचडी में बैकग्राउंड है तो आपको रिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन उसके बाद जाना आपको यहाँ से इफेक्ट में, एंड यहाँ से आना ब्लर में, एंड ये जो लेंस ब्लर है इसको रखना है। एंड इसका जो है ना रेडियंस को थोड़ा सा कम रखना है। सो आप देखो इतनी फायर चमक रही है ना बिफोर आफ्टर। एंड उसके बाद आपको इस फोटो को ओपन करना है ड्रॉ टूल में। ओके एंड यहाँ पर आना है लेयर पर, एंड जो एम्प्टी लेयर है सबसे पहले इस पर आपको मॉडल का पीएनजी ऐड करना है। ओके सो यह मॉडल पीएनजी, एंड इसे थोड़ा सा यहाँ से कर लेना है बड़ा बड़ा करके यहाँ पर रख देना है, ठीक है। एंड एक बार कर देना टैप सो ये लग जाएगा। एंड फिर फोटो को करना है जूम। अभी हम बनाएंगे इसका शेडो, सो शेडो के लिए एक और एम्प्टी लेयर बनाना है यहाँ से, प्लस पर क्लिक करके एंड एम लेयर, ठीक है। एंड इस लेयर को करना है मॉडल के नीचे। ओके एंड मॉडल एंड बैकग्राउंड के बीच में रख देना, एंड फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ से आपको कलर पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक। एंड फिर ब्रश पे आना है, एंड इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के एंड इसकी ओपेसिटी को रख देना है यहाँ पर 10 रख देना है। एंड फिर आपको नीचे से ऐसे शेडो मारना है, ठीक है। ओके सो शेडो बन चुका है, एंड यहाँ से कर देना डन। एंड यहाँ से आपको जाना है एड फोटो में, एंड आपको इस पटाखे वगैरह जो फूटते हैं इनका पीएनजी है ये, सो इसको ऐड कर लेना है। एंड यहाँ से इसे कर लेना है फ्लिप एंड रोटेट, एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना है स्क्रीन, काफ़ी ऑसम लग रहा है। एंड लेयर पे क्लिक करके एंड इसका बना लेना डुप्लीकेट। एंड उसके बाद आना है क्रॉप में, एंड जो छोटा सा पटाखे वगैरह दिखाई दे रहे हैं इन पर ला कर रखना है, एंड इसको कर लेना क्रॉप, ठीक है। तो ये आ चुका। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ से एडजस्ट में, एंड इसका शेडो जो है एकदम कम कर देना आपको। एंड ह्यू पे आना है, एंड इसका ह्यू जो है रख देना ये वाला येलो टाइप, ठीक है। एंड यहाँ से कर देना डन, एंड अगेन डन, एंड अगेन आना आपको एड फोटो में, एंड इस पटाखे बॉक्स को ऐड करना है एंड कोने में रख देना है इसे। एंड यहाँ से कर देना डन, एंड अगेन जाना ऐड फोटो में, एंड इस रॉकेट पीएनजी को ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख देना, ठीक है, बड़ा भी नहीं रखना है ज़्यादा, कुछ इस टाइप से रख देना। एंड यहाँ से कर देना डन, एंड अगेन जाना ऐड फोटो में, एंड इस दिया पीएनजी को ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर रख देना, ठीक है। एंड दिए में शेडो एकदम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपको आना है एडजस्ट में, एंड इसका थोड़ा सा शेडो डाल के यहाँ से कर देना डन। इस पर एक बार रखना है टैप, एंड उसके बाद प्लस वाला आइकन मिलेगा आपको, तो प्लस पर क्लिक करके थोड़ा सा इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ से आना अगेन एड फोटो में, एंड इस फुलजरी पीएनजी को ऐड करना है, एंड इसे इन दोनों अंगुलियों के बीच में ऐसे रख देना है। एंड यहाँ से आना है इरेजर में, इरेजर चूज़ करना है, जो भी एक्स्ट्रा एरिया है इसको इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ से कर देना डन, एंड यहाँ से जो आपको प्लस वाला आइकन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको मिल जाएगा एड फोटो, सो यहाँ से आना एड। ओके एंड इस पीएनजी को कर लेना एड, ये जो फुलजरी वगैरह जलती है तो उनका पीएनजी। एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना यहाँ से स्क्रीन, काफ़ी ऑसम लग रहा है। एंड यहाँ से कर देना डन, ओके देन अगेन जाना ऐड फोटो में, एंड अब की बार आपको ऐड करना है अनार बम को।
ओके सी आ चुका अनार बम पीएनजी एंड से छोटा करके यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, ठीक है इतना रख देना है। एंड यहाँ से आना फ्लिप एंड रोटेड में, एंड यहाँ से ऐसे करना है फ्लिप, ओके देन इस पर टेप करना है एंड यहाँ से जाना है एड फोटो में एंड इस अनार बम फायर पीएनजी को कर लेना है एड। जो ये जो अनार ऊपर जाकर फूटते हैं तो उन्हीं का पीएनजी है एंड इसे अनार के ऊपर रखना है ऐसे एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना है स्क्रीन एंड यहाँ से आना है आपको इफेक्ट में एंड ब्लर में एंड इसका लेंस ब्लर थोड़ा सा जो है रेडियंस कम करके यहाँ से कर देना है डन। काफ़ी ऑसम लग रहा है एंड यहाँ से कर देना डन एंड अगेन जाना है एड फोटो में एंड इन पटाखे पीएनजी को कर लेना है एड एंड पटाखों के पीएनजी को ऐड करने के बाद इसे ला कर रखना है यहाँ पर एंड यहाँ से जाना है इरेजर में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एरिया है ऐसे यहाँ से कर लेना है इरेज एंड यहाँ से डन एंड इस पर एक बार प्लस पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको ऐड करना है फायर पीएनजी ओके एंड इन फायर पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना है स्क्रीन रख देने का एंड इसे छोटा रख के इन पटाखों के ऊपर रख देना, छोटा सा ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है ठीक है एंड इस पर एक बार टैप कर देना एंड यहाँ से प्लस पर क्लिक करना है एंड अब की बार ऐड करना है आपको अगेन एक फायर पीएनजी एंड अभी ऐड कर लेना है इन स्पार्कल पीएनजी को एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना है यहाँ से स्क्रीन एंड यहाँ से आना आपको एपेक्स में एंड लेंस ब्लर एंड थोड़ा सा रेडियंस कम करना है एंड यहाँ से कर देना डन एंड इन्हें यहाँ पर सेट कर देना है एंड अगेन डन ठीक है ओके देन अगेन जाना आपको एड फोटो में ओके एंड इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। ये जो अपन सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जो पटाखे फोड़ते हैं उन्हीं का पीएनजी है एंड इसका ब्लाइंड मोड रख देना है स्क्रीन एंड यहाँ से आ जाना है इफेक्ट में एंड यहाँ से ब्लर में एंड लेंस ब्लर थोड़ा सा इन्हें ब्लर कर लेना है रेडियंस कम करके एंड यहाँ से कर देना डन। काफ़ी ऑसम लग रहा है एंड अगेन डन ओके। सो फोटो हमारी पूरी एडिट हो चुकी है तो बिफोर एंड आफ्टर एंड यहाँ से आपको आ जाना है ड्रो टूल में ओके। सो शैडो हमने पहले ही बना लिया था तो सारा वर्क कंप्लीट है। आपको यहाँ बस थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड सेव इमेज एंड इस फोटो को कर लेना सेव एंड के बाद आपको ओपन करना है लाइट रूम ओके। सो मैंने उसी फोटो को ओपन कर लिया लाइट रूम में एंड सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से लाइट में एंड जो एक्सपोजर मिलता है एक्सपोजर को थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है एंड कंट्रास्ट को बढ़ा लेना है, हाईलाइट को थोड़ा सा कम रख देना है जो कि यहाँ पर ये फायर जल रहा है तो थोड़ा सा इसका हाईलाइट कम होगा तो बढ़िया लगेगा एंड इसका जो हाईलाइट है थोड़ा सा कम रख के शेडो को थोड़ा सा और कम कर देना है एंड वाइट को बढ़ाना है ब्लैक को कम एंड यहाँ से आपको आना सेलेक्ट टू टूल में। अब जो यहाँ पर आइज़ देखिए आप ठीक है, आइज़ पर शेडो एकदम आई मीन बिल्कुल कम है तो यहाँ से आपको सिलेक्टिव टूल से ये वाला टूल लेना है एंड इसके साइज़ में आना है एंड साइज़ फुल कर लेना है, थोड़ा सा बढ़ाना है आइज़ इतना। अब आइज़ आप अपने हिसाब से देख लेना एंड इसका थोड़ा सा एक्सपोजर मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ एंड यहाँ से कर देना डन एंड यहाँ से आ जाना आपको कलर्स में एंड विब्रेंस बढ़ा लेना थोड़ा सा एंड थोड़ा सा टेम्प बढ़ा के टिंट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। ऊपर जाना मिक्स में एंड जो रेड कलर मिलता है सेचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को कर देना प्लस एंड ऑरेंज कलर मिलता है सेचुरेशन थोड़ा सा कम करके एंड ह्यू को कर देना प्लस। आगे आना येलो कलर में सेचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को कर देना थोड़ा सा माइनस। ग्रीन कलर मिलता है इसका सेचुरेशन आप चाहो तो बढ़ा घटा सकते हो, कोई इससे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तो इसका सेचुरेशन मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ एंड आगे आना है यहाँ से आपको टील कलर में सेचुरेशन बढ़ा देनी है एंड ब्लू की भी सेचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को कर देना थोड़ा सा माइनस एंड ल्यूमिनेस कर देना है फुल। ऊपर जो पटाखे जलने हैं काफ़ी ओसम जलेंगे
एंड इस कलर का सेचुरेशन कर देना कम, एंड आगे मिलता पिंक कलर सेचुरेशन बढ़ा के एंड ह्यू को कर देना फुल, एंड यहाँ से कर देना डन। काफ़ी ऑसम लग रहा है। एंड यहाँ से आना आपको सेलेक्ट टोन में, एंड ये दिखता नहीं है वैसे, तीन बूंदी दिखाई देगी तो उस पर क्लिक कर देना है। एंड जो शेडो इस पर नहीं छेड़ना है, एंड मिड टोन को भी नहीं छेड़ना है। यहाँ से आना आपको हाईलाइट में, एंड यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेना, ब्लेंडिंग को कम एंड बैलेंस को कम, ठीक है। एंड यहाँ से कर देना डन। आगे आना क्लियरिटी वाले ऑप्शन में, फ़ोटो की थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज करके विग्नेट को कर देना थोड़ा सा कम। एंड यहाँ से आपको एक न्यू टूल मिलता है ग्रेन अमाउंट वाला, तो उसे थोड़ा सा बढ़ा लेना। देखिए फेस में थोड़ा सा शार्पनेस आ जाएगा। एंड आगे आना है शार्पनेस वाले ऑप्शन में, एंड फ़ोटो की थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा के नोचुडेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना। सो फोटो हमारी पूरी एडिट हो चुकी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर फोटो कितनी गजब की एडिट हुई है। देन यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच यार, आपने पिछले पार्ट पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, दीपावली स्पेशल फोटो एडिटिंग पार्ट 2 पर भी आपको ऐसा ही रिस्पांस देना है। अगर आप इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा एंड पार्ट 4, 5। जब तक दीपावली नहीं आएगी हम ऐसे पार्ट लाते रहेंगे एंड बहुत यूनिक एडिटिंग आपको सीखने को मिलेगी। एंड आज की एडिटिंग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड मैं मिलता हूँ किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।